थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसको अच्छे से गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम अंडों को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे अंडे थोड़े थोड़े ब्राउन हो चुके हैं, उनके चारों तरफ एक लेयर सी आ चुकी है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमने फ्राई करके अंडों को निकाल लिया है। जब ऐसे अंडे हो जाएंगे तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम कुकर में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल इस्तेमाल किया है, तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। स्लो कर देंगे गैस को और इसमें लहसुन अदरक और प्याज। अच्छे से हिलाएंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें जो भी हमने आलू शिमला मिर्च काटी थी वो हम इसमें डाल देंगे, ताकि थोड़ी सी फ्राई हो जाए। शिमला मिर्च और आलू थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसके साथ हरी मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें मसाले भी डालेंगे। ये मैंने चिकन मसाला डाला है थोड़ा सा, इससे बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाता है। इसके साथ ही हम नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और हल्की सी हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं हल्की सी, और इसको हिलाएंगे। गैस को धीमा रखेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा दही। अगर आपने 2 गिलास चावल दिए हैं तो आपने 4 गिलास पानी डालना है। अगर आपने 1 गिलास चावल दिए हैं तो आपने 2 गिलास पानी डालना है।
मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल लिए थे, इसलिए मैं 4 गिलास पानी डालूंगी। थोड़ा सा भूनकर इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी बजाएंगे और फिर हम इसको खोलकर इसमें हम एग डालेंगे। सीटी 1 बज चुकी है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और इसको खोलेंगे। देखिए हमारी बिरयानी अभी थोड़ी थोड़ी लिक्विड है, इसमें हम एग को ऐड करेंगे। एग को मैंने 2 पीस कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब हम फिर से इस पर ढक्कन लगाकर इसको स्लो गैस पे थोड़ी देर के लिए रखेंगे। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी एग बिरयानी बनके तैयार है। इस पर हम थोड़ा थोड़ा धनिया डाल देंगे। देखिए बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है बिरयानी। कृपया मेरी इस डिश को आप ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।